हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजु हब मंसूर. सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी, चैप्टर 4 कीट नियंत्रण की विधियां. इसमें केमिकल कंट्रोल, रासायनिक नियंत्रण, फसलों के ऊपर लगने वाले जो कीट होते हैं, जब उनकी समष्टि में पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कृत्रिम जो कारण है जिसमें मुख्य रूप से जैसे कि फसल के दौरान विभिन्न विधियों का उपयोग करते हुए उनकी समष्टि में जनसंख्या में कमी नहीं आती है, तो लास्ट ऑप्शन जो आता है वो रासायनिक नियंत्रण का उपयोग करते हैं और उनकी समष्टि को कम करने का कार्य किया जाता है. रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर, रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर कीटों की संख्या में कमी, यानी कि जो समष्टि होती है उसकी संख्या में कमी करना, कीटों को नष्ट करना या फिर उनको प्रतिकर्षित करने का जो कार्य होता है, क्रियाविधि जो होती है वो रासायनिक नियंत्रण कहलाती है, जिसमें रसायनों का उपयोग किया जाता है. मानव के द्वारा सबसे पहले जो कीट नियंत्रण होता है, जिनकी विधियां हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ ली थी, जिसमें मुख्य रूप से जैसे कि भौतिक नियंत्रण, भौतिक साधनों का उपयोग किया जाता है कीटों को नियंत्रित करने में, यांत्रिक साधनों का उपयोग किया, फिर कृषण विधियां, इन तीनों का उपयोग करके हम कीटों को नियंत्रित कर रहे थे. लेकिन जब ये विधियां सफल नहीं हो पाती हैं, कीटों की संख्या एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है जो कि बहुत ही विनाशकारी होती है, तब जाकर हम रासायनिक नियंत्रण का उपयोग करते हैं. और रासायनिक नियंत्रण के अंदर हम रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर इनकी संख्या को कम करते हैं, समष्टि को नष्ट कर सकते हैं या इनको एक स्थान से दूर भगा सकते हैं. रासायनिक नियंत्रण की जो विधि है ये बहुत ही सरल, सस्ती है और इसके परिणाम जो आते हैं वो बहुत ही तीव्र आते हैं, लेकिन पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है. इस वजह से हमें रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग करते हैं वो आवश्यकतानुसार करना चाहिए, आवश्यकतानुसार और बहुत ही सीमित करना चाहिए. इसमें नाशक जीव किसे कहते हैं, तो यहाँ से आता है ऐसे जीव, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे जीव जो मानव कल्याण मानव का विकास इनके अंदर, मानव कल्याण मानव का विकास आदि के अंदर विरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीव नाशक जीव कहलाते हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से मानव को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं. इनमें से आते हैं फसलों में लगने वाले कीट, सब्जियों में लगने वाले कीट, फल वृक्ष जो होते हैं उनमें लगने वाले कीट और भंडारण. इन सभी में लगने वाले कीट जो होते हैं वो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, जो कि डायरेक्ट सीधे तौर पर मानव से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट मानव का नुकसान होता है. तो ऐसे जीव जो कि मानव के लिए हानिकारक होते हैं, उसकी प्रगति में उसके कल्याण के अंदर विरोध उत्पन्न करते हैं, वो जीव नाशक जीव कहलाते हैं. पीड़क
नासी, पॉइंट आता है यहाँ पर, पीड़क नासी यानी कि पीड़ा उत्पन्न करने वाले जीवों का नाश करने वाले पदार्थ पीड़क नासी कहलाते हैं। यहाँ से नाशक जीव जो है वो पीड़क और नासी यानी कि नाश करने वाले पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो नाशक कीटों का या नाशक जीव जो होते हैं उन नाशक जीवों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। वे पदार्थ पीड़क नासी कहलाते हैं, मुख्य रूप से उन्हें पीड़क नासी कहते हैं। अब पीड़क नाशियों का जो वर्गीकरण है वो निम्न प्रकार से है, पीड़क नाशियों का वर्गीकरण सबसे पहले इसके अंतर्गत जो आते हैं उनमें कीटनाशी, सेकंड बरूथी नासी, कृंतक नासी, सूत्रकृमि नासी, जीवाणुनाशी, मोलस्क नासी, कवकनाशी, साक नासी, खरपतवार नासी, इनको 9 भागों में बांटा गया है। पीड़क नासी जो होते हैं यानी कि ऐसे पदार्थ जो कि नासी जीवों का नाश करते हैं, उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं, उनको निम्न भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले यहाँ आता है कीटनाशी, ऐसे पदार्थ जो कीटों को नष्ट करते हैं, नष्ट करने वाले यानी कि फसलों में, फल वृक्षों में, भंडारण में, सब्जियों के अंदर, सभी में लगने वाले जो कीट होते हैं उनको नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को कीटनाशी कहते हैं। सेकंड बरूथीनाशी, बरूथियों को नष्ट करने वाले, ये भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट कृंतकनाशी, कृंतक जीवों का नाश करने वाले पदार्थ, इसमें कृंतक जीव कौन कौन से हैं यानी कि कुतरने वाले, ऐसे जीव जो कि फसलों को, अनाज को कुतर कर वो नष्ट करते हैं या उनको ख़राब कर देते हैं, उनकी पौष्टिकता में कमी आती है, या पेड़ जो होते हैं, फसली पादप जो होते हैं उनको कुतर कर काट देते हैं जिससे वो सूखकर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जीव जो कुतरने वाले होते हैं जिनमें मुख्य रूप से चूहा और गिलहरी, ये जीव कुतरने वाले होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि चूहे और गिलहरियों को नष्ट करने का कार्य करते हैं या नष्ट करने के लिए उपयोग में आते हैं उनको कृंतकनाशी कहते हैं। नेक्स्ट सूत्रकृमिनाशी, सूत्रकृमियों का नाश करने वाले, जीवाणुनाशी, जीवाणुओं का नाश करने वाले पदार्थ,
जीवाणुनाशी कहलाएंगे। मोलस्कनाशी, मोलस्का जो संघ है उसके जीव भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके जीवों को नष्ट करने वाले जीव पदार्थ क्या कहलाएंगे, मोलस्कनाशी। कवकनाशी, कवक भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, विभिन्न कवक जैसे कि काले कवक जो होते हैं उनका प्रकोप जो होता है जिससे फसल को नुकसान पहुंचता है, तो उन कवकों को नष्ट करने वाले रासायनिक पदार्थ कवकनाशी कहलाते हैं। शाकनाशी, शाकनाशी जो होते हैं ये हर्बेरियम जो होते हैं, हर्बेरियम के अंदर पाए जाने वाले पादप जो होते हैं उनको नष्ट करने वाले जीव जो होते हैं, उनको जिन रासायनिक पदार्थों की वजह नष्ट किया जाता है शाकनाशी। खरपतवारनाशी, फसलों के बीच में उगने वाले विभिन्न पादप, अनावश्यक पादप जो होते हैं उन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं वो खरपतवारनाशी कहलाते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर इन तीन का अध्ययन करेंगे, इसमें कीटनाशी है, भरूथीनाशी है और कृंतकनाशी। पीड़कनाशियों में तीन पीड़कनाशी जिनमें से कीटनाशी, भरूथीनाशी और कृंतकनाशी, तीन का हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसमें दो पॉइंट हैं। यहाँ कीटनाशी रसायन और कीटनाशी समरूपण, इनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो यहाँ पीड़कनाशियों का जो वर्गीकरण था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।